चीन की सीपीईसी के जवाब में भारत चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। इस बंदरगाह से भारत अफगानिस्तान बिना पाकिस्तान गए पहुंच सकेगा। इससे भारत अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में आसानी से पकड़ बना पाएगा। भारत ने चीन की मदद से बनी श्रीलंका के मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। मोदी सरकार की कूटनीति के चलते श्रीलंका ने हम्बनटोटा की सुरक्षा चीन को देने की बजाय खुद अपने पास रखने का फैसला लिया है। साथ ही यहां पर चीन के सैन्य जहाजों के ठहरने के रुकने पर भी श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, रक्षा और कृषि तकनीकी के क्षेत्र में करीब 7 करार हुए। इसरो और इजराइल स्पेस एजेंसी अब आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। इजराइल से जल शुद्धिकरण तकनीक भी भारत को मिलेगी। मोदी सरकार की कूटनीति के आगे चीन को घुटने टेकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन की काफी किरकिरी हुई। जाधव पर झूठा आरोप लगा फांसी की सजा सुनाने वाले पाक की साजिश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीट भारत ने पाक को किया बेनकाब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। भारत के दबाव पर पाकिस्तान को हाफिज सईद को करीब 10 महीने तक नजरबंद करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान की आतंकियों को शरण देने की हकीकत का पर्दाफाश किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में भी भारत को अहम कामयाबी मिली। पीएम मोदी म्यांमार का दौरा कर दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार समेत 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन म्यांमार का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जाहिर है भारत और म्यांमार की इस दोस्ती से चीन के व्यापार को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है।